नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की विचारधारा एवं सेवा भाव से प्रेरित होकर लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भाजपा, सपा एवं बसपा ने अपनी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। लखनऊ बख्शी का तालाब, 20 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बख्शी का तालाब 169 विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों समाज सेवियों एवं अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। श्री निमेश तिवारी, पूर्व सभासद भाजपा इटौंजा वार्ड नंबर 10 एवं पूर्व सदस्य जिला योजना समिति भाजपा, मोहम्मद शरीफ जी उर्फ पप्पू बीडीसी अहमदपुर खेड़ा, सुनील कुमार जी बीडीसी खंतारी भाजपा, राम स्नेही गौतम पूर्व प्रधान प्रत्याशी ग्राम जलालपुर स्वतंत्र युवा संगठन छटामील कोटवा से, अजय पाली जी, अनिल वर्मा जी, अंकित पाल, विवेक शुक्ला ग्राम बौरूमऊ, ज्ञानेन्द्र कुमार ग्राम बीकामऊ खुर्द सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता भारी संख्या में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले लोगों पर ललन कुमार ने कहा कि ये सभी दूसरी पार्टियों के पीड़ित कार्यकर्ता हैं। भाजपा, सपा एवं बसपा में लगातार इनकी अनदेखी हो रही थी। इन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। कांग्रेस की विचारधारा एवं सेवा भाव से प्रेरित होकर इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम सब मिलजुल करके समाज हित में, गांव के हित में और यहाँ के लोगों के हित में काम करने का काम करेंगे मिलजुल करके। साथ ही साथ आपके मान सम्मान का कांग्रेस पार्टी पूरा ख्याल रखेगी। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आप भी कार्यकर्ता हो गए हैं, और आने वाले समय में जिन लोगों की मदद की जरूरत है हम सब मिलजुल करके उन लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि आने वाले समय हमारे गांव समाज का विकास हो, हमारे इस बख्शी के तालाब विधानसभा का विकास हो, आने वाले समय में हर लोगों को रोजगार मिले, आने वाले समय में हर लोगों को अपना घर मिले, उनको अपना स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, गाँव में लोगों की स्थिति सही नहीं है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम सब मिलजुल करके काम करेंगे। आपका एक बार फिर से तमाम भाजपा, सपा, बसपा पार्टी छोड़ करके आए आप, हमारे ऊपर भरोसा जताए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय आप सबका है, आप सबका ही होगा, क्योंकि हम सब सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं, हम सब महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम सब बाबा साहब को मानने वाले हैं, इसलिए हम सब सत्य को ही अपना रास्ता, अपना धर्म, अपना कर्तव्य मान करके हम सब काम करते हैं। आज जो बख्शी के तालाब विधानसभा की जो स्थिति है आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले बारिश से लोगों की घर तबाह हो गई, इतनी बारिश हुई लेकिन तब भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हम सब मिलजुल करके करेंगे, आप सब एक माध्यम होंगे, वहाँ पहुँचने का काम करेंगे, तभी हमारे गाँव का विकास होगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा,